with world-class education and excellent placement record. Biyani Group of Colleges is committed for your bright career. Biyani Group of Colleges, where you can trust. अगर आप ढूंढ रहे हैं द बेस्ट गर्ल्स कॉलेज फॉर बी कॉम एंड एम कॉम कोर्सेज इन राजस्थान देन जॉइन बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एडमिशन्स ओपन फॉर बी कॉम एंड एम कॉम नमस्कार दोस्तों, आज सुबह फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया विचार। आप जीवन में कुछ बड़ा चाहते हैं, बहुत बड़ा चाहते हैं, तो मैं आपको उसका आसान तरीका बताता हूँ। आप जीवन में बहुत ऊंचाई प्राप्त कर सकेंगे और बहुत चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें कुछ बड़ा मिले, तो हमें एक ही काम करना होगा, उम्मीद करना छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि जब हम उम्मीद नहीं करेंगे तो हमारी सारी ऊर्जा काम पर लग जाएगी, जिससे सफलता मिल जाएगी। बात हो सफलता की या जीवन की या जीवन के हर अंदाज की, हम करेंगे दिल की बात आपके साथ। आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी, करियर टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मिस्टर सचिन भदौरिया जी हैं, जो कि हमारे बियानी में कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्ते मैम। सर, सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आप इस फील्ड में, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में कैसे आए और आपका कैसे इसमें इंटरेस्ट बना? देखिए मैम, जनरली मैं बेसिक मैथमेटिक्स फील्ड से हूँ। हाँ सर, मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा है, लेकिन धीरे धीरे मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हुआ और इंटरेस्ट होने के बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में पहले PGDCA किया और आफ्टर इट कंप्यूटर साइंस में MSc देन MCA मैंने अपना कंप्लीट किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर पूरा ही एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसके रिगार्डिंग मैंने पहले खुद ने नॉलेज गेन किया है और नॉलेज गेन करने के बाद ही मैं इस फील्ड में मैं आया हूं। जी सर, तो मतलब काफ़ी सारी आपने डिग्रीज यहां पे हासिल करी है। हाँ हाँ। सर, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स को आप ये बताएं कि ये कोर्स कंप्यूटर साइंस का हमें क्यों चुनना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है ये? देखिए, कंप्यूटर साइंस का कोर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यह बेसिकली पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल पेपर है और ये हमारे बिल्कुल लाइफ से जुड़ा हुआ है। यदि कोई भी पर्सन यदि मान लो कंप्यूटर फील्ड से कनेक्टेड नहीं रहता, दैट मीन्स वो उसके लिए बिल्कुल बेकार। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको एक छोटा सा लाइफ का बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। उसमें आपको सपोजिंग करो कहीं आपको बाहर जाना है तो आप क्या करेंगे? कैब बुक करेंगे। तो हाँ। कैब बुक करने के लिए हमें क्या आना चाहिए? मोबाइलाइजेशन आना चाहिए। ये भी एक सिस्टम का ही पार्ट है। यदि आपको दैट मीन्स कहीं बाहर जाना है, रिजर्वेशंस करना, दीज आर जनरल पार्ट्स। ये तो कंप्यूटर तो जनरली सोर्स हो गया और IT काफी स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट आपके हो जाएगा। सर, हम टेक्निकलिटी की बात करें, दो मोटी मोटी चीजें हैं, एक तो लैंग्वेजेस जैसे C, C++ और एक है सॉफ्टवेयर, जो मुझे लगता है कंप्यूटर के दोनों बहुत ही बड़े हिस्से हैं। तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिसिमिलैरिटीज हैं? देखिए, हम बात करें लैंग्वेजेस की, जनरल सॉफ्टवेयर्स की हम बात करें तो हम लैंग्वेजेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सी लैंग्वेज, C++, जावा, .NET, VB, पाइथन, ये सब जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं इसमें हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन जनरेट करते हैं। जैसा कि आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हैं या आपको पता होगा आप मोबाइल्स में गेम्स खेलते हैं, तो जितने भी जो गेम्स होते हैं C++, जावा, इन लैंग्वेजेज में इनकी कोडिंग होती है और बच्चे इस पर क्या करते हैं? गेम्स प्ले करते हैं। यदि आपको दैट मीन्स प्रोग्रामिंग कोडिंग पे जाना है, जैसे एप्लीकेशन जनरेट करनी है, तो आप क्या सीखेंगे? लैंग्वेज सीखेंगे। और यदि आपको बेसिक सॉफ्टवेयर से वर्क करना है, यानी कहने का मतलब ये है, हम बात करें सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें बेसिकली OS आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ हम लोग बात करें कुछ फंडामेंटल सॉफ्टवेयर्स है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सब दिया हुआ है। तो लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर में जनरल डिफरेंस ये है कि लैंग्वेज तो सोर्स हो गया जी,
लैंग्वेज तो एक तरह से सोर्स हो गया जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करके हम लोग एप्लीकेशन जनरेट करते हैं, जैसे कि ऑफिस है, ऑफिस भी लैंग्वेज में कोडिंग करके ही एप्लीकेशन जनरेट हुआ है जी। यानी हम ये कह सकते हैं आउटपुट तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा और मेन फंडामेंटल क्या हो जाएगा, लैंग्वेज जी। रिपीट कर रहा हूँ, सोर्सेज तो क्या हो जाएगा, लैंग्वेजेस, और आउटपुट क्या हो जाएगा, लैंग्वेज होगी जी। यही सोच करके हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको एलिमेंट्री बनाया होगा। तो सर इसका सिलेबस जो है वो क्या रहता है? देखिए भाई, सिलेबस की हम बात करें तो कम से कम जो भी स्टूडेंट्स है उनको कम से कम बेसिक फंडामेंटल की बात करें तो कम से कम हार्डवेयर का जनरल नॉलेज होना चाहिए, हार्डवेयर का। ऐसे हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि जिस एप्लीकेशन में वो काम कर रहे हैं OS, वो भी पता होना चाहिए उसको, हम लोग कैसे ऑपरेट करें उसमें, कैसे वर्किंग रहे। साथ में बेसिक जो एप्लीकेशंस की बात करें हम लोग, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, दीज आर जनरल एप्लीकेशंस जिसमें हम लोग कोई भी पर्सन आसानी से वर्क करें। ये तो बेसिक फंडामेंटल कंपलसरी है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सर, मुझे भी लगता है जैसे ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे हर करियर जॉब में हमसे डिमांड करी जाती हैं। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें ये सब हमारे काम में नहीं आती। जी 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 जी। सर दो चीज़ें होती हैं, एक तो पूरी फुल फॉर्म डिग्री और एक डिप्लोमा, डिप्लोमा जो कोई भी इंसान कभी भी ऑप्ट कर सकता है, तो इसमें हमें क्या चीज़ चुननी चाहिए? देखो डिप्लोमा एक तरह से शॉर्ट टाइम पीरियड कोर्स है फंडामेंटल का, और यदि आपको उसी डेप्थली सीखना है जी, किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंटेंट को यदि आप डेप्थली करना चाहें तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री लेते हैं, और डिग्री जनरली 3 साल की होती है, और डिप्लोमा 6 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 1 महीने का, और अदरवाइज 1 साल का भी होता है। और हम कंप्यूटर में डिप्लोमा की बात करें तो कुछ जनरली हम 1 साल की डिप्लोमा में तो PGDC होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर इन एप्लीकेशंस, और डिग्री की बात करें तो एक बैचलर डिग्री होती है जिसे हम लोग BCA कहते हैं जी जी। और यदि हम प्रोफेशनल मास्टर्स डिग्री की बात करें तो एक MSc कंप्यूटर साइंस में होती है, एक होता है MSc IT जी। और ये तो 2-2 साल के होते हैं डिग्रीज, और MCA की बात करें तो MCA जनरली 3 साल का होता है, और उसमें हमें दैट मीन्स एंट्री लेने के लिए कम से कम हमारा 12th में या तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा हो जी, या तो 12th में मैथमेटिक्स हो, अदरवाइज हमारे पास कॉमर्स कंप्यूटर सब्जेक्ट कंपल्सरी होता है, यानी हमारे ऑप्शनल में या तो कंप्यूटर हो, अदरवाइज क्या हो, मैथमेटिक्स हो। तो ऐसे कैंडिडेट्स BCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और MSc और MCA के लिए हमें अप्लाई करने के लिए कम से कम या तो ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स हो, अदरवाइज BCA कर रखा हो, या 12th में क्या हो, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। इसकी मेन एलिजिबिलिटी हम बात करें तो मतलब कंप्यूटर्स की बड़ी डिग्रीज के लिए आपको मैथ्स की तो नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम, ज़्यादा नहीं, 12th तक या तो मैथमेटिक्स हो, या तो 12th तक मैथमेटिक्स, अदरवाइज 12th में एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट रहा हो जी जी। अदरवाइज आपने BCA कर रखा हो या BSc कर रखा हो, दैट मीन्स आप MCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सर इसमें मैथ्स का भी कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया रहता है? देखिए मिनिमम कम से कम 50% तो 12th में एलिजिबिलिटी चाहिए, और हम बात करें मैथ्स की तो BCA में भी हमारी मैथमेटिक्स आती है जी, और थोड़ा पोर्शन कुछ पार्ट आपके अकाउंटेंसी का आता है। तो फर्स्ट ईयर में जो मैथ्स है, फर्स्ट ईयर में जनरली बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स आती है, और सेकंड ईयर में बात करें तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चलती है, और MCA में भी कुछ बेसिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कुछ फंडामेंटल मैथ्स हमारे स्टूडेंट्स का बेस क्लियर कराती है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स का पार्ट इसलिए सिखाया जाता है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसके कंसेप्ट ही मैथ्स पे डिपेंड है। एग्जाम्पल दूँ, हम लोगों को आप सपोजिंग करो आपको कोई प्रोग्राम कैलकुलेट करना है, ओड और इवन नंबर कैलकुलेट करने का, तो आपको कम से कम मैथ्स के फंडामेंटल तो क्लियर होने चाहिए कि ओड नंबर होता क्या है, इवन नंबर क्या होता है जी। इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसलिए मैथमेटिक्स कंपलसरी जी। सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी आपके साथ में। जब मैंने कोरल का 1 महीने का क्रैश कोर्स कर रही थी मैं, तो वहाँ एक 10 साल का बच्चा भी आया था जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वेबसाइट डेवलप करने का सॉफ्टवेयर जो होता है वो सीख रहा था। तो इसका मतलब कि कोई भी छोटा टाइम का डिग्री या डिप्लोमा कोई भी कर सकता है ये? हाँ बिल्कुल कर सकता है,
शॉर्ट जो डिप्लोमाज होते हैं कोई भी पर्सन कर सकता है, बट उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि आप में इंटरेस्ट है देन आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एप्लीकेशन हम लोगों ने क्रिएट करी है, हम लोगों ने जनरेट करी है, और आपको ध्यान होगा पर डे कितनी नई नई एप्लीकेशन बनती जी, है जी, जी। और ये सब हम लोगों की जनरेट करी हुई है, तो हम आराम से कोई भी कोर्स सीख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको इंटरेस्ट से काम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेते हैं किसी भी टॉपिक में जी। और ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जी। जो आप एग्जांपल देना चाहूँ मैं दूसरा, जो आप कर रहे हैं उसी को आपको एक्सप्लेन करना है, उसी को आपको डिस्क्राइब करना है, यही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जी। सर मुझे आप अंत में ये बताएं, समझाएं कि इस कंप्यूटर एप्लीकेशन में आगे जाके स्टूडेंट्स की क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम जॉब्स की बात करें तो जनरली हमारे दो सेक्टर्स होते हैं, एक तो होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट जी। हमारे प्राइवेट जॉब्स भी काफ़ी है और पब्लिक में गवर्नमेंट जॉब्स के भी काफ़ी सारे चांसेस है, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं जहाँ पे कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं हो। हम बात करें, एग्जांपल दूँ मैं आपको प्राइवेट जॉब्स की बताना चाह रहा हूँ मैं सबसे पहले, तो कई बार क्या होता है यदि आपको सिंपल से सिंपल आपको वेबसाइट जनरेट करना आता है, वेबसाइट पे वर्क करना आता है, तो आप घर बैठे बैठे वेबसाइट जनरेट करके .net में आसानी से आप अच्छा अर्न कर सकते हैं जी। ये तो सेकेंड वेबसाइट्स का मैंने बात करी, सेकेंड मैं बात करता हूँ एक होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव। यदि आपको डेटाबेस पे वर्क करना आता है, डेटाबेस में क्या होता है हम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज PL SQL भी हम लोग यूज़ करते हैं जी। यदि आप इसका यूज़ करके किसी भी अच्छी कंपनी में अच्छा वर्क कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव, तो यहाँ पे आप एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ये होता है कि जितने भी सिस्टम्स है जी, जितने भी जो कंट्रोल जो पैनल्स है सबको कंट्रोल करना, सबको प्रॉपरली मैनेज करना और एक्सेस करना, ये सारा का सारा वर्किंग क्राइटेरिया नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आता है जी। जी और वैसे हमारे हम बात करें एक होता है जनरली ऑपरेटर की जॉब की बात करें तो जिसको फंडामेंटल भी आता है तो आप सिंपल ऑपरेटर की जॉब भी वो कर सकता है। और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो बड़ी गवर्नमेंट जॉब में भी हमारी इस समय तो काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर काम भी नहीं आ रहा है। एज ए प्रोग्रामर, एज ए हम बात करें एज ए प्रोग्रामर, एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर, हम लोगों को डिफरेंट एप्लीकेशन जनरेट करनी पड़ती है, उसमें भी हमारी अच्छी जॉब्स लग सकती है। तो मतलब इस सेक्टर में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारा स्कोप है। आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जो मैं आशा करती हूँ स्टूडेंट्स के काम आएंगी और वो आगे सोच समझ के अपना करियर चूज़ करेंगे। तो सर हमारे साथ आज शामिल होने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ सचिन सर बियानी में जो पढ़ाते हैं वो शामिल हुए और उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस उनके कोर्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी दी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा और करियर टॉक में शामिल रहिएगा। धन्यवाद। Dear viewers, welcome to Biyani TV. I'm Sunil Kumar Kumawat. Today with us, we have a professor from Kyushu University, Japan, Fumihiko Yokota. Welcome to our studio, sir. Thank you. He has done his specialization in international health, infectious diseases, and lifestyle diseases. He got inspired by Mother Teresa and thereafter got into this field. Mr. Yokota, so you met Mother Teresa in 1996. Yes. So how was that meeting? What are your experiences about that? Yeah, that was a lovely coincidence. I didn't plan to meet her, but when I was traveling in India as a backpacker, I visited Calcutta in 1996, and one of my roommates in the hostel introduced me to Mother Teresa's house, and I ended up spending 3 months in Mother Teresa's house taking care of TB. Malnourished HIV patient with many international volunteers. You got inspired by Mother Teresa and then took this up as a full-time profession? Yes, that's right. I was very inspired by Mother Teresa's unconditional love, and she told us that the opposite of love is ignorance. It's important that we don't ignore the people in need of help and in need of service. So that kind of idea I got from Mother Teresa changed my life to
serving for the society, serving for community, helping people for health. So what work you have done in this field? In India, in Japan, or elsewhere in the world? Mainly for the field health research and education. Those are my career, main career. Mr. Yokota, yes. Tell us something about your association with the Biyani Group of Colleges. Yes, I came first time to Biyani College in 2015, okay. When I was a lecturer at Kyushu University. Okay. Dr. Manish Biyani, mm-hmm. he expressed his strong interest in the telemedicine, okay. How to deliver health service to the rural people. Okay. So we had a common goals, common missions, okay. Common interest. So we fortunately had a mutual agreement for the collaborative research. Okay. So that's how we met. Okay. So for the past 4 years, you have been coming to Biyani Group of Colleges. Yes. So we've been told that you learned yoga from the academic director of Biyani Group of Colleges, Dr. Sanjay Biyani. Yes. Like, what made you fall in love with yoga? Yes, first, Dr. Sanjay Biyani is a wonderful person, wonderful leader, who motivates a lot of people, who lead people to the right direction. So I'm a big fan of Dr. Sanjay Biyani, and he inspired me to have a yoga, and I really enjoyed doing yoga for my physical strengths, mental strengths, and social strengths. So you're doing yoga thereafter regularly? Yes, I do yoga regularly in Japan or everywhere in the morning. So is this yoga a secret of your fitness, sir? Yes, it's kind of, but it's a good, I'm open to it. I'm open to say I'm doing yoga to everyone in Japan or anywhere. Is it that you taught yoga to somebody in Japan, to your students in Japan? Yes, I introduced Dr. Sanjay's yoga to my student in Japan. And how has been the response? They really liked, they really enjoyed. How has yoga benefited you and your students? Yes, actually, I found many, many benefits, but mainly three benefit. One is a physical benefit, and second is a mental benefit, and third one is a social benefit. For physical benefit, I become more stretching my body, mm-hmm. and my muscles, I think, stronger. Yes, and the mental benefit, I become less depression, less anxiety, and the more stay fit. In my weight, I always like 70 kilo all the time after doing yoga. And the social benefit, you know, a lot of good people who are doing yoga, I could meet. So I think yoga has many benefits. Is it that, how is yoga picking up in Japan? Is it people are going after it? Is it getting popular there? Yes, it's becoming popular. But it's not so widespread like India. Maybe less than 10% of Japanese people do yoga regularly. Still, it is a good percentage, sir. 10% is a good percentage if it has started only. Yeah. What other things that Japanese people do to keep themselves fit? I think they do more Japanese people go into the fitness gym, and then they do the running and bicycling with a machine, and some lift weights, and also in Japan, the walking in the park, walking outside, is very popular. You have been to this country so many times. How has been your experience with people here, in general, academically, about yoga? Yes. Actually, people in India, people in Biyani, very, very friendly. Thank you. Yes, I'm very nice, very dedicated, very hard work. So I really enjoyed doing the research activities, educational activity together. What are the research activities that you plan to take up together with this institution, Biyani Group of Colleges? Health research and the telemedicine, and also yoga research. We are planning with Dr. Sanjay Biyani.
So have you made a blueprint? Is it we have something, some plan to go about? Yes. Yesterday I talked with Dr. Sanjay Biyani, and we are still in the planning stage. But we hope that we can have research, a good yoga research. What is the effect of long-term effect, short-term effect of yoga? Mr. Yokota, it was wonderful speaking to you. Thank you very much for coming to us and sharing your experiences with us. Thank you so much. Thank you, sir. TV, radio, web का practical experience only in Biyani Group of Colleges, the best college for MGMC course in Rajasthan. Join Biyani Group of Colleges for MGMC course. Admissions open. आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं बियानी टीवी पे प्रोग्राम खास मुलाकात। आज एक शख्सियत हमारे साथ हैं जिनका इंटरव्यू करने के बाद में मुझे बड़ा कमाल का फील आ रहा है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक ऐसी शख्सियत जयपुर की जिनको जयपुर मैन के नाम से जाना जाता है अलग अलग मायनों में। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बियानी टीवी के इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद, आपने बुलाया और बड़ा अच्छा लग रहा है आपके यहाँ के। सर पहला सवाल जो है आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि हर साल हम एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल मैं 5 किलो वेट कम कर लूँगा, इस साल मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन आप हर साल रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँगा। ये तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, ये कहाँ से आपको ये एनर्जी मिलती है? एक्चुअली क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 28 साल से मैं इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के साथ हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, पिछला एक्सपीरियंस रहा है, वो इंडस्ट्री में रहा है, होटल्स में रहा है, और उसके अलावा जो रिसर्च बेस्ड मेरा बैकग्राउंड रहा है जिसमें मैंने ब्रेड और ब्रेड प्रोडक्ट्स पे रिसर्च किया, वो इंस्पायर करता है इस चीज़ के लिए। दूसरा इंस्पायर करते हैं मेरे स्टूडेंट्स जो 7th और 8th सेमेस्टर में जब आते हैं 4 ईयर्स बैचलर्स डिग्री में, वो रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च का कुछ ना कुछ आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि इट इज़ सर्टिफाइड रिसर्च। तो वो इंस्पिरेशन बच्चे मेरे चारों तरफ होते हैं, वो शुरू से इस चीज़ के लिए प्रयासरत रहते हैं कि सर कुछ हम जा रहे हैं इंडस्ट्री में, जा रहे हैं, हमारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है और हम हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ अ वन एंड ओनली थिंग विच prove your employability, your study and your study outcome. जो knowledge उन्होंने लिया हुआ होता है वो real outcome actually वो आपका experience, आपका काम और वो सारी चीज़ें होती हैं। सर जिन बच्चों को आप सिखाते हैं, एक बचपन आपका भी था जहाँ आप सोचा करते थे कि मैं ये करूँगा, ये बनूँगा, आपका बचपन किस तरीके से भी था? हाँ, बचपन में मैं बड़ी मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था जी। करता हूँ अभी भी, और फादर टीचर थे तो बहुत ज़्यादा कुछ इनकम बहुत अच्छी नहीं थी एंड उनको बहुत जल्दी पैरालिसिस हो गया लेफ्ट साइड, और जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो घर की बिगड़ गई। तो हम लोग जो 2-3 ब्रदर्स और एक सिस्टर थे, तो हम लोगों की ड्यूटीज़ होती थी कि भाई डिफरेंट जो घर के काम है उनको करना है, तो हम लोग अपने, तो मैं हमेशा खाना बनाना चूज़ करता था। उस खाना बनाने में मैं डिफरेंट अपने तरह से एक्सपेरिमेंट्स करता था उस समय पे। जब कोई लोग नहीं जानते थे, उस समय मैंने रसगुल्ले की सब्जी एक दिन बनाई थी। अरे वाह, ये तो मैं भी खाना चाहूँगा। तो ये एक्सपेरिमेंट्स, और उस समय एक टीवी में नेशनल टीवी हुआ करता था, एक छोटा सा प्रोग्राम उसमें आता था जिसमें गिनीज बुक के वो रिकॉर्ड्स दिखाते थे और डिफरेंट रिकॉर्ड्स लोग अपने अपने एक्सपर्टाइज फील्ड में बनाते थे, तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था। फिर जैसे ही ग्रेजुएशन के लिए मैं होटल मैनेजमेंट के लिए चूज़ किया क्योंकि मेरा पैशन उधर था फूड में, और उससे रिलेटेड बैक ऑफ द माइंड ये था कि मैंने शेफ़ बनना है जी। और एक शेफ के पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो
depth knowledge of food and a creativity. सर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब नाम दर्ज करवाने की थॉट आती है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं. 2008 में पहली दफ़ा आपका नाम दर्ज हुआ लिम्का बुक के लिए, तो वो बैक ऑफ द माइंड क्या चीज़ें चल रही थी और वो पहला इन्वेंशन या क्रिएटिविटी क्या थी जिससे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ? एक्चुअली ये एक चैलेंज मिला. मैं एकेडमिक्स में था, एक जयपुर की बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है उसमें मैं था. तो एक एकेडमिक काउंसिल यूनिवर्सिटी का एक बॉडी होता है जो एकेडमिक्स डिसाइड करता है पूरी यूनिवर्सिटी का, उसी में एक इंजीनियरिंग के डीन थे. आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने चैलेंज किया और मैंने एक्सेप्ट किया और आज मैं उनके चैलेंजेस की वजह से यहाँ तक पहुँच गया. तो उन्होंने चैलेंज किया कि होटल मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है इसमें रिसर्च जैसा कुछ नहीं है. एंड वो चीज़ मेरे दिल को छू गई जी. उसी दिन मैंने डिसाइड किया एंड उसी मीटिंग में, उसी एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में मैंने उनको भी कहा कि मैं आपको एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च एंड विद द सर्टिफिकेशन दिखाऊंगा विद इन वन ईयर. वो दैट डे से मैंने मेरे स्टूडेंट्स को लिया जो मेरे पास ऑलरेडी स्पेशलाइजेशन कर रहे थे और हम लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्लान किया. वो फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था बिगेस्ट रोटी ऑफ द वर्ल्ड. ओके. उसका वेट था 180 किलो और डायमीटर था 12.5 फीट, जिसने 12 घंटे जो उसको बनाने में हमको लगे और जो उसको जब हमको सेकंड साइड से बेक करना था तो हमको क्रेन से उसको अपलिफ्ट करना पड़ा, फिर वापस उसको रखना पड़ा, अगेन बेकिंग उसका स्टार्ट किया और वो 4,500 पीपल, अराउंड 4,500 लोगों ने उस रोटी को चखा, इंक्लूडिंग गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एंड ऑल. और गर्व टावर जो हमारे वहाँ हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया एंड इट वॉज वेल अप्रिशिएटेड बाई दी. तो सर पहली दफ़ा जब वो लिम्का बुक के लिए नाम दर्ज हुआ, सेकेंड टाइम फिर अगले साल आपके दिमाग में आया कि इस साल कुछ और, तो ये हर साल लोग रेजोल्यूशन ले रहे हैं, कोई रेजोल्यूशन ले रहा है वेट गेन करने का, कोई लूज करने का, कोई कुछ और करने का, आप हर साल ये थॉट प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है कि हर साल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जाए? देखिए जब आप एक छोटी चीज अचीव कर लेते हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ अचीव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये आपके पास रहता है कि इसमें और क्या बड़ा किया जा सकता है. अब फूड में इतने प्रोडक्ट्स हैं कि आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, नंबर वन. नंबर टू, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको वर्ल्ड लेवल पे ले जाके उसको रिकॉर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, इट नीड्स एट मंथ्स टू वन ईयर रिसर्च. सो हर जो 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं 8 से 12 महीने की मेहनत छुपी हुई है, रिसर्च छुपी हुई है, जिसमें उसका टेक्सचर, फ्लेवर एंड द डेंसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अपीरियंस, टेस्ट, ये सब मेंटेन करते हुए आपको वो फाइनल प्रोडक्ट देना है. और उसमें भी लिम्का बड़ा टफ एग्जामिनेशन है लिम्का का रिगार्डिंग द फूड प्रोडक्ट्स. एक लिम्का की अपनी एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट्स की टीम है जिसमें टॉप नॉच वर्ल्ड के शेफ्स हैं जो आपके एप्लीकेशन को, रिकॉर्ड ब्रेकिंग की एप्लीकेशन को एवेल्युएट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये इट इज़ पॉसिबल और नॉट, या वो आपसे टेक्निक पूछते हैं. इसमें मैंने एक इनोवेटिव टेक्निक भी इन्वॉल्व की है और ये सारे प्रोडक्ट्स और वो टेक्निक अभी पेटेंट के लिए जा रहा है और नेक्स्ट 6 मंथ्स में शायद वो पेटेंट्स भी आ जाएंगे. सो आई विल गेट 10 पेटेंट्स इन वन सिंगल टाइम. सर आपको जयपुर मैन के नाम से भी नवाजा जा चुका है, इस नाम से भी काफ़ी लोग आपको जानते हैं. ये सवाल आपसे पूछना हालांकि ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछता हूँ कि चैलेंजेस, हालांकि सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी में बिना मुश्किल चैलेंजेस, इनका कोई कभी कोई वर्डिंग्स की अहमियत नहीं होती, लेकिन फिर भी चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपको रोकती हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता. आपकी लाइफ में भी कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा, तो वो क्या चैलेंजेस थे और आपने किस तरीके से उसको मतलब संभाला, अपने आप को उस सिचुएशन से दूर किया? देखिए जब आप किसी, आप सोचिए आप एक क्लास ले रहे हैं जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 40 आईज आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट यू, इवेल्युएटिंग यू, ऑब्जर्विंग यू. और जब आप कोई वर्ल्ड क्लास काम करने जा रहे होते तब
20,000 to 25,000 पीपल आर देयर. आप सोचे 50,000 आँखें आपको घूर रही हैं. मेरा जो ब्लड सर्कुलेशन है जब वो जो प्रोडक्ट बन रहा होता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड हम क्रिएट कर रहे होते हैं उस समय ब्लड सर्कुलेशन ही 160, 170 शू घूम रहा होता है. दूसरा जो उसके संग एक जिसको कहते हैं कि प्रेस्टीज जुड़ा हुआ है जो उसको क्रिएट करने के बाद उसको ब्रेक करने के बाद जो अप्रिशिएशन मिलता है वो और जो बच्चों के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरों पे जो एक विजेता वाली मुस्कान आती है वो इंस्पायर करती है आपको हर बैच के नए बच्चों के साथ एक और एक्सपेरिमेंट करने के लिए और उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में कन्वर्ट करने के लिए. सर जाते जाते आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं और लगभग 25 सालों से आप ये कर रहे हैं, तो आगामी भारत में अभी क्योंकि ये कोर्सेज बढ़ रहे हैं, बच्चे इनमें एनरोल कर रहे हैं इन्हीं सालों में, तो क्या फ्यूचर है इसका और किस तरीके से एक स्टूडेंट होटल इंडस्ट्री में यदि जाना चाहता है तो अपना वो करियर बना सकता है, कुछ एडवाइस आप प्लीज़ बच्चों को. बिल्कुल, देखिए होटल मैनेजमेंट एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि इजी और एन्जॉइंग करियर है, एन्जॉइंग कोर्स है. इसका जो कोर्स कंटेंट है वो आपकी डेली लाइफ से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्टूडियस होने की ज़रूरत नहीं है. टोटली प्रैक्टिकल, इट्स ए स्किल बेस्ड, प्योरली स्किल बेस्ड प्रोग्राम जिसमें आपको ड्यूरिंग द फोर इयर्स, इसका जो ड्यूरेशन है डिग्री का 4 साल का है, इस 4 साल में आपको केवल और केवल एक स्किल में अपने आप को परफेक्ट करना है. आगे वो स्किल आपको एम्प्लॉयबल करेगा, आपको फॉरेन ट्रिप्स कराएगा, आपको फॉरेन प्लेसमेंट करवाएगा, आपको एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स करवाएगा जी. और फिर जिन लोगों से जो होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं जो काम करते हैं, अब देखिए उनका एनवायरनमेंट क्या रहता है, जहाँ वो इंडस्ट्री जिसमें वो काम करते हैं वो टच में रहते हैं जिनके पीछे लोग ऑटोग्राफ के लिए भागते हैं, लाइक फिल्म स्टार्स, फैशन इंडस्ट्री पीपल, फिल द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट. सो जब आदमी इस सेगमेंट के साथ मूव करता है उसका कंप्लीट ओवरऑल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो होता है ही. और एक ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, थोड़ा सा आपके पास वो एक जो सर्विस वाला जिसको कहते हैं एलिमेंट है वो अगर आपके पास है तो नोबडी कैन स्टॉप यू विद सक्सेसफुल कैरियर इन होटल मैनेजमेंट. सर पूरे इंटरव्यू के दौरान मेरी एक चीज पे मेरा दिमाग स्टक था, रसगुल्ले की सब्जी पे. वो कैसे इजाद होती है, वो कैसे आपने बताया बनाया, थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज. ओके, देखिए रसगुल्ला सभी ने खाया है और रसगुल्ले का जब नाम आता है तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये था कि मीठा होगा. राइट राइट जी. आपको कुछ नहीं कर रहा, सिंपल टिप दे रहा हूँ मैं. आपको रसगुल्ले को निकालना है, सारा उसका जो शुगर जूस है वो सारा निकाल देना है, उसको ठंडे पानी में बिल्कुल साफ कर लेना, स्पॉन्ज है आप डालेंगे बिल्कुल उसको क्लियर कर लें, ठीक है. उसके बाद आप वाइट ग्रेवी बनाएं, उसमें उस रसगुल्ले को डालें, उसको वार्म अप करें और सर्व. चलिए सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. और एक वादा हम आपसे चाहेंगे कि यूं ही आप बियानी टीवी के इस खास मुलाकात शो में आते रहेंगे, नई नई रेसिपीज और उन सब पे हम चर्चा करेंगे. बिल्कुल, मैं मेरी बहुत सारी इनोवेटिव रेसिपीज हैं जो मैं एक बुक की फॉर्म में बहुत जल्दी निकालने वाला हूँ, उसके लिए भी मैं आपके पास आऊँगा. आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आज यहाँ आया और आप सब लोगों की एक मैंने देखा बहुत अच्छी टीम है इस मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की, तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद योर दिस स्टूडियो एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी यू हैव, यू पीपल हैव. थैंक यू सो मच सर, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप यूं ही हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. ऐसी ही खास मुलाकात होती रहेंगी. मुझे इजाजत दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार. जब हो साइंस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो कॉलेज भी होना चाहिए बेस्ट. ज्वाइन बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, द बेस्ट कॉलेज फॉर एमएससी बीएससी. एडमिशन्स ओपन. वेलकम टू बियानी टीवी, द
गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स मिस ना हो। और इसी के साथ हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वक्त है ना, बस सिखाता जाता है। ख्वाब तोड़ तो देता है लेकिन हजारों ख्वाब दिखाता जाता है। ये वक्त है जो बस सिखाता जाता है। इस वक्त में मेरी आंखों के सामने कभी अंधेरा तो कभी उजाला होता है। कभी मैं खुले आसमान में आजाद पंछी सी उड़ रही होती हूँ तो कभी मेरे सपनों पर ताला होता है। मैं अपने दुखों को भी डायरी में उतारती हूँ, मैं अपने दुखों को भी डायरी में उतार लेती हूँ क्योंकि कुछ खुशियाँ होती है जिन्होंने मुझे संभाला होता है। शीशे में खुद को ही डांटती हूँ, शीशे में खुद को ही डांटती हूँ क्योंकि कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जिनको मैंने ही पाला होता है। मुसीबतें चाहे जितनी हो उनमें खुद को ही जगजोड़ना पड़ता है। दुखों से बंधे ये जो रिश्ते हैं ना, उन्हें खुद को ही तोड़ना पड़ता है। ये वक्त बस सिखाता जाता है। ख्वाब तोड़ देता है लेकिन हजारों ख्वाब नए दिखाता जाता है। ये वक्त है जो बस सिखाता जाता है। स्पेशली ट्रेन्ड फैकल्टीज फॉर बायोटेक बीएससी एमएससी कोर्सेज ओनली इन बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। एडमिशंस ओपन। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसका नाम है करियर। देखिए आज हमारे बीच में डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में। और सर मैं आपका आज स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही बेहतरीन करियर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये करियर है कंपनी सेक्रेटरी, एक प्रोफेशनल करियर जिसमें आपके पास बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छा पैसा है और बहुत सिक्योरिटी भी है। सो इस कोर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं सर आपका पुनः एक बार अपने स्टूडियो में स्वागत करूंगा। और मैं चाहना चाहूंगा सबसे पहले कि ये जो कोर्स है इसके लिए किस तरह का एटीट्यूड चाहिए बच्चे के अंदर और किस तरह का पैशन चाहिए उसके अंदर? देखिए इसके लिए बहुत रिग्रेसिव पैशन चाहिए क्योंकि ये कोर्स आसान नहीं होते, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये मेहनत मांगते हैं बच्चे को मेहनत करने की। अगर आपका अक्मन है, आप पढ़ना चाहते हैं, आप मेहनत करने, आप यू आर लेबोरियस और आप मेहनत करना चाहते हैं, आप में पढ़ने का मादा है, देन यू शुड डू दिस कोर्स। दिस कोर्स ओपन यू डोर्स ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। पर अपार्ट फ्रॉम दैट सर, ये तो एक बहुत ही आपने सही बताया कि बहुत मेहनती होना चाहिए बच्चा, उसमें जुनूनी होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो कोर्स है ये उन बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है जो कि थ्योरी में अच्छे हैं, जिनको लॉ पढ़ना है, जिनको लॉ प्रोफेशन पे अट्रैक्ट करता है, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जिनको अपनी बातों को कम्युनिकेट करने में मजा आता है? हाँ, वो उन लोगों के लिए तो